हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट फोर्थ सेम का सर्विंग फर्स्ट में लेवलिंग के अंतर्गत टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और वो प्रैक्टिकल शीट जो हम लोग फील्ड पर जब काम करते हैं तो शीट इसकी किस प्रकार से बनाई जाती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसमें जो पहला लेवलिंग है वो है आपकी फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होती है ये समझिए कि जब हम कोई सर्वे का काम कर रहे होते हैं तो और उस सर्वे के काम को लेवलिंग के काम को करने के लिए हमें कोई बेंचमार्क स्थापित करना होता है। या तो बेंचमार्क हम जीटीएस का स्थापित करते हैं और या जीटीएस बेंचमार्क से परमानेंट बेंचमार्क जब स्थापित किया जाता है तो उस स्थिति में लेवलिंग को फास्ट करने के लिए फ्लाई लेवलिंग की जाती है। फास्ट लेवलिंग का मतलब यह है कि इस को लेवलिंग को फास्ट किया जाता है और फास्ट करने के लिए इसमें रीडिंग केवल BS ली जाती है और FS ली जाती है, क्योंकि हमें जो RL पता करने होते हैं वो उन पॉइंट्स के पता करने हैं जितनी पॉइंट तक हमारा लेवल देख सकता है। तो इसमें जो BS और FS लेते हैं, IS नहीं लिया जाता, इंटरमीडिएट साइड नहीं ली जाती, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड लेने से प्रैक्टिकल पर्पज़ में देर हो जाएगी और हमें जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 1.5 किलोमीटर का है या 2 किलोमीटर का है तो IS रीडिंग का कोई यूज नहीं है, नो यूज़, IS का यूज़ नहीं है, केवल BS FS और अगले पॉइंट का RL कैलकुलेट करते चले जाते हैं। तो GTS से परमानेंट बेंचमार्क या परमानेंट बेंचमार्क से टेम्परेरी बेंचमार्क को हम स्थापित करते हैं, अर्थात लेवलिंग की प्रक्रिया को तेज करके केवल BS IFS की सहायता से GTS बेंचमार्क से परमानेंट बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क से टेम्परेरी बेंचमार्क को स्थापित करते हैं। सिमिलरली अब आ जाइए चेक लेवलिंग पे, ये भी एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हमने जो जैसे किसी बेंचमार्क से हमने काम शुरू किया और काम शुरू करते करते हम पॉइंट लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहाँ से हमने जो भी प्रक्रिया करते चले गए उस प्रक्रिया के बाद जो लास्ट का RL आया, अंतिम RL जो आया, उस RL से अब हम बेंचमार्क मान करके फिर वापस आएंगे और जब वापस आते हैं तब प्रक्रिया फ्लाई लेवलिंग के द्वारा करते हुए ओनली BS और FS को कंसीडर करते हुए वापस इस फर्स्ट बेंचमार्क को फाइंड आउट करते हैं। मतलब यहाँ से मान लीजिए हमने ये बेंचमार्क हमारा 100 था और यहाँ से हमने लेवलिंग करते चले गए, BS IS FS जो भी रीडिंग थी रोड की वो सब लेते चले गए और लास्ट रीडिंग हमने ये ली, इस पॉइंट पे ली लास्ट, और इस लास्ट पॉइंट से वापस हम पहले पॉइंट की ओर फ्लाई लेवलिंग करते हुए इस RL को पता करेंगे कि ये RL कितना आ रहा है। तो इससे हमारा वर्क प्रिसाइज हो जाएगा कि कितना शुद्ध है वह काम हमारा। तो यदि 100 ही आता है तो 100% है, बाकी 1-2% ऊपर नीचे आता है तो वो परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें कि अभी एक फॉर्मूला बताया था कितनी परिशुद्धता होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं चेक लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग और चेक लेवलिंग एक ही चीज़ है, बेंचमार्क स्थापित करने के लिए इसको और चेक करने के लिए इसको लेते हैं चेक लेवलिंग को। अब आ जाइए इसमें प्रोफाइल लेवलिंग। जो हम लेवलिंग का प्रक्रिया करते हैं वो सारी प्रोफाइल लेवलिंग कहलाती है। उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। एल सेक्शन का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हम जैसे 0 से चले थे और 30, 60, 90, 130 इस तरह से चलते चलते हम 360 तक पहुँचे।
अर्थात ये चेनेज है, सेंटर के चेनेज है, जैसा कि पिछले लास्ट टर्न पे, लास्ट लेक्चर पे मैंने आप लोगों को एक ही रोड बताई थी कि ये 30 मीटर फॉर्मेशन की रोड है और ये सेंटर की रीडिंग्स हैं। सिमिलरली वहाँ पर भी हमने सेंटर की ही रीडिंग ली है, यहाँ पर केवल हमने अभी सेंटर की रीडिंग ली थी। अब चूंकि वो रोड है और उसमें हमें दो बातें बनानी है, एक चीज़ तो हमें एल सेक्शन बनाना है, प्रोफाइल एल सेक्शन, तो केवल सेंटर 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 ओनली सेंटर की रीडिंग की सहायता से तो हम एल सेक्शन बना सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और क्रॉस सेक्शन बनाने का मतलब ये है कि इस एल सेक्शन के अलाउ सड़क को काटा गया, क्रॉस किया गया फॉर्मेशन में दे, ये क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, थर्ड क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। एक क्रॉस सेक्शन पे हमने रीडिंग और ली, कहाँ पे ली, ये लेफ्ट, जब काम कर रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये राइट, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा 15 और ये 15 ना करके 30 की फॉर्मेशन है तो इसको आप कर दीजिए 5 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 तो ये हो गई 15। इसी तरह राइट में 5 और ये 15, यहाँ पर सेंटर पे ले लीजिए 5 15 5 15 और ये सारी रीडिंग्स आईएस में आएंगी, जैसे 30 की आईएस में आई, इसी तरीके से अब जैसे 30 का सेक्शन है तो 30 के सेक्शन के आगे यहाँ पर हम एक रीडिंग लेंगे 5 पे, फिर दूसरी लेंगे 15 पे 30 के अंतर्गत, फिर इसी तरीके से राइट में भी लेंगे 5 पे और 15 पे, इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं आगे हम, जैसे मान लीजिए 240 का सेक्शन है तो 240 के सेक्शन पे 5, 15 पे रीडिंग लेंगे, 5 पे रीडिंग आएगी और 15 पे आएगी लेफ्ट में, फिर इसी तरीके से राइट में लेंगे 5 पर और 15 पे, इसकी भी रीडिंग लेंगे और रीडिंग ले करके इस RL को हम लोग काउंट करेंगे, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। ये वाले जो पार्ट हैं ये L सेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे लंबाई में, और जब किसी सेक्शन के लेफ्ट और राइट में रीडिंग ली जाती है तो वो क्रॉस सेक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और क्रॉस सेक्शन बनाने का तरीका और L सेक्शन बनाने का तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि सेंटर की रीडिंग से हम L सेक्शन बनाते हैं और हर सेक्शन पर लेफ्ट और राइट में जितने चेनेज पर हम रीडिंग लेते हैं उससे हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम खींचा हुआ है, पहले इस डायग्राम की डिटेल समझ लीजिए। ये सेंटर के चेनेज हैं, जितने भी सेंटर हैं इसी तरह से सेंटर माने थे 30-30 की दूरी पे, और एक इसके स्केल मान लिया हॉरिजॉन्टल स्केल 10 मीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, इस हिसाब से हमने ये बना लिए ड्राइंग में, और एक स्केल माना वर्टिकल, वो वर्टिकल स्केल हमने ये माना 0.200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये स्केल माना। हॉरिजॉन्टल स्केल समझ गए होंगे, हमने सेंटर टू सेंटर जो खींचा है वो उसके हिसाब से इसको खींच लिया। अब जो भी रीडिंग है, मान लीजिए 0 पर रीडिंग RL कैलकुलेट करा था 200 है, यहाँ पर 30 पर इतना आया, फिर 199.5.5, इसी तरीके से हर एक आर पॉइंट का RL हम लिख सकते हैं क्योंकि हम इसके RL को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि HI मेथड या राइज एंड फॉल, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखने में सुविधा ये हो जाती है कि ये पूरा जो खाना है ये भर जाता है। इस खाने की जो मोटाई है ये 5 mm के बराबर है, और इसके बीच में ये जो गैप है इसे 15 mm का गैप मान लीजिए। ड्राइंग का तरीका है, ड्राइंग में बना सकते हैं।
इसी तरीके से फिर ये 5 mm 15 mm 5 mm 15 mm 5 mm और 15 mm, इसमें दो पार्ट आ जाएंगे। मैं अभी पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। पहले समझिए कि जो पहला जो कॉलम है उसको हम कहते हैं चेनेज। चेनेज लिख लिए सारे, फिर आ जाइए उन चेनेज पर एग्जिस्टिंग आरएल, उन पॉइंट्स पे एग्जिस्टिंग आरएल कितने कितने हैं वो हमने लिख लिए। ये सब हमने, ये एग्जिस्टिंग आरएल वाला कॉलम हो गया। अब इसके ऊपर मान लीजिए हमें सड़क बनानी है, ये दो काम हो गए, नंबर एक काम, नंबर दूसरा काम। अब आ जाइए ये इन इसकी सहायता से हम इस पर ड्रॉ करेंगे एल सेक्शन को। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि सबसे लोएस्ट रीडिंग कौन सी है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सबसे लोएस्ट रीडिंग ये है, लोएस्ट रीडिंग से भी नीचे एक डेटम मान लेते हैं, ये हमने डेटम मान लिया। लोएस्ट रीडिंग 1.198.40 थी, तो उससे नीचे ये डेटम मान लिया और इस डेटम को ये माना कि यहाँ तक की ऊंचाई 198 मीटर है। अब इसको हमें इसके रीडिंग खींचने, तो यहाँ पे देखिए ये 200 था, ये 198 यहाँ तक हो गया, तो ये 2 मीटर का टुकड़ा है और इस 2 मीटर के टुकड़े को वर्टिकल स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से अगले पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ तक तो 198 है ही, तो बाकी कितना बचा 1.170, तो 1.170 को वर्टिकल स्केल पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर आ जाइए अगले पर 199, तो ये हो गया 1.515, इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह से आगे जितने भी आरएल्स हैं वो वर्टिकल स्केल के अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉ कर लेंगे और इनको ड्रॉ करने के बाद इनको फ्री हैंड मतलब स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो ये पृथ्वी का वो धरातल हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन हो गया लंबाई में, जो कि ये मिट्टी का पार्ट होगा, अर्थ है ये। अब हमें रोड बनानी है और रोड कैसी बनानी है, 1000 पर 1 मीटर वर्टिकल डाउन ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। अब जब इसमें इतना ग्रेडियंट है और ये हमारी 360 मीटर की रोड है, तो इसको हमने 360 मीटर की रोड के हिसाब से स्केल में कन्वर्ट करते हुए ये एक सूटेबल पॉइंट ढूंढा जिसमें हमारी कटिंग और फिलिंग करीब करीब बराबर आ जाए, जिससे हमें मिट्टी जो काटी गई वो भरत में भर जाए। तो एक ग्रेडियंट मान लीजिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसे हम ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते थे, नीचे भी कर सकते। नीचे करेंगे तो कटिंग ज़्यादा हो जाएगी, मिट्टी हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, और ज़्यादा ऊपर कर लेंगे तो फिलिंग का ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट से 1001 के आधार पे ये ग्रेडियंट के अनुसार हमने रोड का फॉर्मेशन लेवल ले लिया। ये रोड का फॉर्मेशन लेवल है। यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कटिंग और फिलिंग करीब करीब पूरे सेक्शन में बराबर सी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोशिश यही की है। तो अब आप क्या करेंगे, ये प्रपोज्ड आरएल हो गए, तो अब आप नेक्स्ट कॉलम आ जाइए, एग्जिस्टिंग आरएल तो ये वाले थे जो मिट्टी के हैं, और अब ये ग्रेडियंट बनाया हमने और ये ग्रेडियंट के अनुसार अब ये प्रपोज्ड आरएल हो गए। तो इस पॉइंट का ये प्रपोज्ड आरएल, इस पॉइंट का ये प्रपोज्ड आरएल, ये प्रपोज्ड आरएल, ये स्केल से पहले इसे नापिए और स्केल के अनुसार कन्वर्ट करके यहाँ पर आरएल लिख लीजिए सारे। ये प्रपोज्ड आरएल हो गए अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ऑफ रोड, ये यहाँ पर आपको सारे में प्रपोज्ड आरएल लिखने होंगे। ये प्रपोज्ड आरएल है, ये एग्जिस्टिंग आरएल है, ये प्रपोज्ड आरएल है, ये एग्जिस्टिंग आरएल है, ये प्रपोज्ड आरएल है, ये लिख लीजिए सारे एग्जिस्टिंग आरएल और प्रपोज्ड आरएल, एग्जिस्टिंग ये लिखे, प्रपोज्ड आरएल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वो स्केल से माप करके लिखने पड़ते हैं, स्केल से मापिए कितना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं तो ये इतनी कटिंग है, ये आप स्केल से मापिए और स्केल में कन्वर्ट कर करके लिख दीजिए कितनी कटिंग आई,
यहाँ पे कटिंग लिखी है, यहाँ पर कटिंग नहीं, यहाँ पर इसे इतने हिस्से को मापिए स्केल से और स्केल में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसमें फिलिंग में लिखा जाएगा क्योंकि ये फिलिंग है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फिलिंग है, तो इतने हिस्से को मापिए और मेज़र करने के बाद फिलिंग में लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए बराबर ही है, ना कटिंग है और ना ही फिलिंग है, वो सेम पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो एग्जिस्टिंग आरएल है वो भी ये ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से उसी स्थिति से सड़क निकल रही है, दोनों सेम है, तो कोई कटिंग कोई फिलिंग नहीं होगी। इसी पर यहाँ पर कटिंग होगी, यहाँ पर फिलिंग हो जाएगी, फिर अगले यहाँ भी फिलिंग आएगी, यहाँ भी फिलिंग, यहाँ पर कटिंग आएगी, यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पर पॉइंट पे फिलिंग है, यहाँ फिलिंग है, फिर यहाँ कटिंग है और यहाँ भी कटिंग है। तो अब आप देखेंगे कि करीब करीब कटिंग और फिलिंग पूरे सेक्शन में लगभग लगभग बराबर सी है। तो मिट्टी हमें कहीं बाहर से नहीं लेनी होगी, हमारी मिट्टी जो है उस पोर्शन की, उसी मिट्टी से हम फिलिंग कर सकते हैं। तो ये प्रपोज्ड आरएल का ग्रेडियंट है के अनुसार ही संभव हो पाया। तो इस तरह से ये एक पूरा एल सेक्शन बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें कि हमें कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग लेनी है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग और कैसे तरह से कैलकुलेट करा, पहले चेन एज, फिर एग्जिस्टिंग आरएल, फिर प्रपोज्ड आरएल, प्रपोज्ड आरएल में ग्रेडियंट के अनुसार रोड पर जो हमने बनाया है फॉर्मेशन लेवल का, वो सारे आरएल, फिर इसकी कटिंग और फिलिंग भरते हुए यहाँ पर डेटम माना जो कम से कम था वो मान करके, और फिर उतने पोर्शन को वर्टिकल स्केल में कन्वर्ट करके बनाया, तो ये आपका एल सेक्शन बन जाता है। ये प्रैक्टिकल वर्क है और इसमें रीडिंग जो एग्ज़ाम जो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये रीडिंग आरएल को लिखना होता है, दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग आरएल। अब आ जाइए क्रॉस सेक्शन पे, सिमिलर प्रोसेस क्रॉस सेक्शन में है। क्रॉस सेक्शन में भी हॉरिजॉन्टल स्केल मानेंगे और वर्टिकल स्केल मानेंगे, और ये क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट है जिसमें सड़क का हमने जीरो सेक्शन पे इसे 5 और ये 15, ठीक, क्योंकि 30 मीटर की फॉर्मेशन है, तो ये हो गया 5 मीटर और ये 15। ये 30 मीटर रोड विड्थ है, पेवमेंट विड्थ हम कहते हैं, ये पेवमेंट विड्थ। तो इसमें पेवमेंट विड्थ में सेंटर पे रीडिंग ली थी, वो तो यहीं आएगी, सेंटर की रीडिंग क्या है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 200 लिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 और 15 पे रीडिंग जो थी, जो भी आए वो 5 और 15 की रीडिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसी तरीके से 15 पर लिख लेंगे लेफ्ट में और राइट में भी लिखेंगे। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट है, इस तरह इसी तरीके से ये हो गया आपका एग्जिस्टिंग आरएल, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम चेन एज का, जीरो सेंटर का, और अब आ जाइए प्रपोज्ड आरएल। अब हमें क्या करना है प्रपोज्ड आरएल में, अब इस पॉइंट को तो यहाँ से लेना ही होगा क्योंकि इस पॉइंट को तो हम पहले दे चुके हैं ना, तो जब दे चुके हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहिए, कोई कटिंग में है ना, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा और यहीं से हमें एक कैम्बर सड़क का देना होगा। इसको हम अब ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसको निर्धारण हो गया, तो यहाँ कटिंग में ही आएगी पहला सेक्शन, और इसका कैम्बर दिया जाएगा इस ग्रेडियंट के हिसाब से। कैम्बर का मतलब होता है ये इसे कैम्बर कहते हैं, जो पानी है वो सब ढलक जाता है और सड़क पर जो चल रहे वाहन चल रहे होते हैं उनमें एक
पकड़ बन जाती है, तो ये कैम्बर कहलाता है। हाईवे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वो कैम्बर यहाँ पर देते हुए अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सब में ही कटिंग ही आनी है, यहाँ भी कटिंग, ये भी कटिंग, ये भी कटिंग, सब कटिंग ही आएगी, क्योंकि कैम्बर भी इसी से नीचे चलेगा इसी ग्रेडिएट के अनुसार। ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन। इसी तरीके से अब 30 मीटर का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 30 लिख देंगे, फिर 60 का बनाएंगे तो 60 लिखेंगे, और उसके लेफ्ट और राइट पे 5-15 लिखेंगे, और उनके सबके एग्जिस्टिंग आरएल्स लिखेंगे। फिर कैम्बर अब यहाँ हर पॉइंट का पता है, अब यहाँ पे जो अगला 30 पे होगा उसका इतनी ऊंचाई पर सेंटर लेना ही होगा। 30 की स्थिति में ये जो सेंटर है वो यहाँ कहीं आएगा, और फिर उसमें कैम्बर दिया जाएगा, फिर उसकी कटिंग उसमें फिलिंग आएगी, हो सकता है कि कुछ कटिंग भी आ जाए। ये सब चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जब बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट है सिलेबस का, प्रोफाइल लेवलिंग के अंदर एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन, ये मैंने आज आपको बताए हैं, और इसकी ड्राइंग शीट कंप्लीट करनी होती है। तो इसे समझ लीजिए, और ये प्रोफाइल लेवलिंग के अंतर्गत पार्ट है एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। आज मैं आपका लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, और ये लेवलिंग का मेरा आज ये सिलेबस पूरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे प्लेन टेबल जो अगला टॉपिक है उसको उठाऊंगा। तो यहाँ तक इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने बता चुका हूँ, मिसिंग रीडिंग के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग कर लीजिए, तरीका मैंने बता चुका था। अब नेक्स्ट वीक में मैं प्लेन टेबल वाला काम निपटाऊंगा। मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे, ये ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। इसके मैं एक बार और आप लोगों को ढंग से दिखाई देता हूँ। फ्लाई लेवलिंग, चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, और एक होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग वही लेवलिंग है टू पैग मेथड। एक पार्ट और मान लीजिए इसमें मानते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग जो परमानेंट एडजस्टमेंट में टू पैग मेथड जो हम लोगों ने किया था, वही रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंतर्गत आता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग ये वह टू पैग मेथड पर परमानेंट एडजस्टमेंट जो किया था, जिसमें एक स्टेशन पॉइंट ए और बी माना था, उसमें खूटियाँ गाड़ी थी, और खूटियाँ गाड़ करके पहले ए स्टेशन के पास लेवल सेट करा था, फिर बी के पास सेट करा था, फिर दोनों के तलांतर निकाले थे, तो वो तरीका ही रेसिप्रोकल लेवलिंग का होता है। तो इस तरह से ये लेवलिंग का पार्ट आज पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग रीडिंग के क्वेश्चन हैं वो करिए, और मैं भी इसमें आपके MCQ जब मेरा इसका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो चेन के, कंपास के, लेवलिंग के और प्लेन टेबल के MCQ बना करके PDF मैं आप लोगों को दूंगा। तब तक आप लोग जितना मैंने पार्ट बताता जा रहा हूँ उसको गंभीरता से करते चलें। मैं नेक्स्ट लेक्चर प्लेन टेबल का लूंगा। थैंक यू।